बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 40 का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। पिछली आयत में हमने पढ़ा था हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हजरत हन्ना की औलाद हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौरी वालदा हैं उनके बारे में बात की जा रही थी। अब हजरत यहिया अलैहिस्सलाम के बारे में बात की जा रही है जो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा हैं हजरत मरियम उनके हजरत यहिया अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो थे उनके रिश्ते में खालू लगते थे। हजरत मरियम की वालदा और हजरत ज़करिया की बेगम आपस में बहनें थी, वो रिश्ते में उनके खालू लगते थे। और कुरान कहता है कफ़ला ज़करिया के उनका निगरान बनाया गया ज़करिया अलैहिस्सलाम को, हजरत मरियम का, ठीक है। तो हजरत ज़करिया के बेटे थे हजरत यहिया अलैहिस्सलाम, उन्हीं की बात की जा रही है। आज हम थोड़ा उन चूंकि जो आयत है आयत नंबर 39 जो हमने पढ़ी थी, हमने उस आयत में उनका जिक्र किया है कि अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको यहिया अता फरमाया। तो हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की क्या तारीख है हम थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। यहिया के मैंने जिंदा होना या जिंदा होता है या जिंदा होगा, क्योंकि अल्लाह ने आपको ईमान के साथ जिंदा रखा या वो कलमा हक कहने की वजह से कत्ल किए गए, शहीद किए गए, इस वजह से वो हमेशा के लिए जिंदा हो गए। यहिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगजीदा पैगंबरों में से एक थे। अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो कि खुद ही अल्लाह के नबी थे उनके बेटे थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आप मबूस हुए और आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 महीने बड़े थे। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई तो दूसरे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत यहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये तो हमें मालूम है कि ये हजरत ज़करिया के बेटे और उनकी पैगंबराना दुआओं का हासिल थे। उनका नाम भी अल्लाह ताला के जरिए अता किया गया है, अल्लाह ताला ने उनका नाम रखा यहिया, और ऐसा नाम है कि जो उससे पहले उनके खानदान में नहीं रखा गया, ठीक है। अच्छा, हजरत मालिक जो हैं वो फरमाते हैं कि यहिया बिन ज़करिया और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का माँ के पेट में जो उनका हमल है वो एक ही ज़माना में हुआ, और इमाम सालवी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 माह पहले हुआ। और लूका की इंजील में एक जब ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी अल यशबा वो हमला हुई है उनको 6 महीने गुजर गए तो फिर तब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतलक उनको बशारत दी और उन्होंने फरमाया कि देख तेरी रिश्तेदार अल यशबा जो है उनको भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, अब उसको जो बांझ खिलाती थी 6ठा महीना है तो आपको भी अल्लाह ताला बेटा अता फरमा सकता है। तो वैसे तो इनका तफसीली बड़ा तारफ है, ये बड़ी मशहूर मारूफ हस्तियाँ, हम कभी अलहदा तौर पर इनके बारे में आदि करेंगे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि इस ये इनका छोटा सा मुख्तसर मैंने तारफ कराया, बाकी हम इंशाल्लाह अलहदा वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम आयत नंबर 40 को शुरू करते हैं क्योंकि आयत नंबर इन आयात में उनका जिक्र है तो मुख्तसर बयान कर दिया गया है। अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामु वक़द बलगनी अल किबर व उमरती आखिर कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। क़ाल ज़करिया ने कहा रब्बे ऐ मेरे रब अन्ना कैसे होगा, अन्ना कैसे ये कूनो होगा ली मेरा गुलाम उन लड़का वकद हालांकि बालागनी मुझे आ गया है अलकेबरो बुढ़ापा वमराती वमरातुन इमरातुन कहते हैं औरत को वमराती और मेरी बीवी आखिर बांझ है मेरी बीवी बांझ है। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे है रब क्यों कर होगा मेरे यहाँ लड़का हालांकि मुझे बुढ़ापा आ गया है और मेरी बीवी बांझ है। काला कदालिकल्ला यफ़अलु मा यशा काला तो फरमाया कदालिका बात इसी तरह है जैसी तुमने कही है अल्लाह हो लेकिन अल्लाह ताला जो है ना यफ़अलु करता है मा यशा जो चाहता है मा जो यशा चाहता है। फरमाया बात इसी तरह है जैसी तुमने कही लेकिन अल्लाह करता है जो चाहता है।
जकरिया कहने लगे, ऐ रब क्यों कर होगा मेरे हाँ लड़का, हालांकि आ लिया है मुझे बुढ़ापे ने और मेरी बीवी बांझ है। तो फरमाया, इसी तरह बात है जिस तरह तुमने कही, लेकिन अल्लाह करता है जो चाहता है। जाहिर है वो हैरान हुई, उन्होंने अल्लाह से दुआ भी मांगी, या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। जब अल्लाह ने उनको खबरी दी कि आपका बेटा होगा, तो उन्होंने अब चूंकि पहले खुद दुआ मांगी थी, अब बाद में वो खुद हैरत कदार कर रहे हैं कि मेरे बेटा कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी भी अब बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अल्लाह ने फरमाया इसी तरह है, लेकिन अल्लाह जो चाहता है वो करता है। पहले वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे बेटा दे, फिर अल्लाह ने उनको खुशखबरी दी हज़रत यहया की, फिर उन्होंने हैरानी का इजहार किया। ये क्यों है? इसलिए मैं जहां तक समझता हूँ वो इसकी वजह ये है, एक चीज जो पहले मांग रहे हैं बाद में उसी के मिलने पर हैरत का इजहार कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि वो अल्लाह ताला से अपने सिलसिले कलाम को तवील करना चाहते थे। ज़ाहिर है जो बात अल्लाह ताला से हम कलाम होने में जो सुकून और लुत्फ आता है, ज़ाहिर है वो और किसी बात में नहीं मिल सकता। तो इसलिए वो अपनी बात को बढ़ा रहे थे। ठीक है कि पहले खुद दुआ मांगी, फिर जब कि अल्लाह मुझे बेटा दे, और फिर जब बेटा मिला तो कहते हैं कि मैं कैसे मुझे बेटा हो सकता है मेरा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। वो सिलसिला कलाम को तवील करना चाहते, बढ़ाना चाहते थे। आयत नंबर 41 में उन्होंने जो निशानी मांगी थी वो अल्लाह ताला ने बताई। ठीक है, फरमाया काल रब अली आया قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار। तो अभी हम आयत नंबर 41 का ترجمہ تفسیر پڑھیں گے سورہ ال عمران کی। اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال رب اجعل لي آیہ قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار। काला अर्ज की, रब्बे ए मेरे रब, इज अल मुकरर कर दे ली मेरे लिए आया तुम कोई निशानी। अर्ज की मेरे रब मुकरर फरमा दे मेरे लिए कोई निशानी। काला आया तो कल्ला तो कल्ले मन्नास सलासत अय्याम मिन अल्लाह रमजा। काला अल्लाह ने फरमाया आया तो का तेरी निशानी अल्लाह ये है कि अन ये है कि ला तो कल्लेमो कि तू बात ना कर सकोगे तुम अन्नास लोगों से सलासत अय्याम सलासतुन तीन अयाम दिन इल्ला मगर रमजा इशारे से। फरमाया तेरी निशानी ये है कि बात तुम नहीं कर सकते लोगों से तीन दिन मगर इशारे से। वज़्कुर रब्बक कसीरन वसब्बिह बिल्अशी वल-इब्कार। वज़्कुर याद कर रब्बक अपने रब को कसीरन बहुत कसरत के साथ। वसब्बिह और पाकी बयान करो बिल-अशी उसकी शाम को वल-इब्कार सुबह को। और याद करो अपने रब को बहुत और पाकी बयान करो उसकी शाम और सुबह। अर्ज की है मेरे रब मुकरर फरमा दे मेरे लिए कोई निशानी। फरमाया तेरी निशानी ये है कि तुम बात नहीं कर सकोगे लोगों से तीन दिन मगर इशारे से। और याद करो अपने परवरदिगार को बहुत और पाकी बयान करो उसकी सुबह और शाम। तो उन्होंने अल्लाह से जो है ना सुकून कल्ब के लिए मांगी कि या अल्लाह अगर मुझे बेटा मिले तो कोई निशानी भी बता दे कि मुझे बेटा मिल गया है ताकि मैं समझूं। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप तीन दिन लोगों से इशारे के बगैर बात नहीं कर सकेंगे जब बेटा अल्लाह आपको अता फरमाएगा। ठीक है, तो उनकी ये जो गुजारिश थी कि अल्लाह मुझे निशानी बता दे, ये किसी शक की वजह से न थी, बल्कि मुफसरीन कहते हैं जिस तरह तफसीर रूहुल मानी में है उसकी वजह ये थी कि लियतलक्का तिलका नेमत बिशुक्र हीन हुसूलिहा। ये उसके वो निशानी इसलिए मांग रहे थे कि जिस वक्त ये नेमत मिले उस वक्त वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनके जो जोजा थी उनके पेट में हमल ठहरने की ये निशानी बताई कि उस वक्त अब अल्लाह का जिक्र तो कर सकेंगे, तस्बीह और तहलील तो कर सकेंगे, लेकिन लोगों के साथ गुफ्तगू लोगों के साथ आप बात नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अल्लाह ने उनको ये इस बात की निशानी बताई। तो उन्होंने ये इसलिए अल्लाह से निशानी मांगी ताकि जाहिर है जब इतनी बड़ी उम्र में उनको ये औलाद की नेमत मिलेगी तो वो उस पर अल्लाह का शुक्र बजा ला सके।
उसकी खैरियत आफियत और उसके बुलंद मकाम के अल्लाह से दुआ मांग सकें। तो फिर अल्लाह ने उनको बता भी देगी, ये निशानी होगी कि आप इशारों से तो बात कर सकेंगे लेकिन जबान के साथ लोगों के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते। और ऐसे ही हुआ जिस तरह ये निशानी बताई गई थी। तो जब हजरत यहया अलैहिस्सलाम वालदा के बतन में तशरीफ लाए तो फिर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का खसूसी तौर पर शुक्र बजा लाया। जी आज हमने दो आयतें पढ़ी हैं। चलो जी ठीक है सर जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जो कुछ भी सुना पड़ा उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।